अब ये सोशल मीडिया का जो कीड़ा है वो बच्चों को खा रहा है, ठीक है, वो खत्म कर रहा है बिल्कुल, उनके टाइम को, उनके समय को, उनको सबको बर्बाद कर रहा है सोशल मीडिया। नहीं आज तो थकान हो रही है ज्यादा, नहीं थोड़ा लेट हो गई है, कल से करेंगे, है ना, आज फोकस नहीं हो पा रहा है। एक बच्चा है जो टॉप कर रहा है और एक बच्चा है जो एवरेज है, तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्या जो एक टॉप स्टूडेंट है वो कुछ अलग खा रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो एक टॉपर स्टूडेंट फॉलो करता है और एक एवरेज स्टूडेंट उनको इग्नोर करता है या फिर उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता है। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रीति, आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर, मोटिवेटर एंड गाइडर। आज के इस वीडियो में मैं कुछ स्ट्रैटेजीज आपको बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप भी अपने एग्जाम्स के अंदर टॉप कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है वो आती है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। सो आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। एक टॉपर स्टूडेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट में यही डिफरेंस है कि एक जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो अपने टाइम को मैनेज करता है, क्योंकि सभी के पास क्या है, 24 घंटे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो टॉपर स्टूडेंट है उसके पास 30 घंटे होते हैं या फिर 60 घंटे होते हैं, ऐसा नहीं है। दिन में सभी को 24 घंटे ही मिले हैं। इसी 24 घंटे के अंदर एक बच्चा टॉप कर रहा है तो डिफरेंस क्या है, क्या वो ऐसी चीजें कर रहा है इसके अंदर? तो 24 घंटे के अंदर बेटा आपको मैनेज करना अपने टाइम को। जिस दिन भी आप उठ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन मेरे को क्या करना है, क्या मेरे टास्क है, क्या मेरे को करना है आज। तो वो टू डू लिस्ट आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। 5-10 मिनट लगेंगे आपको इसमें, आपको अपनी टू डू लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है। इसमें आपको प्रायोरिटी वाइज अपने काम को नोट करना है, ठीक है, जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपको पहले करना है उसको आप पहले राइट करेंगे, उसके बाद जो आपको काम करनी है आप उनको राइट करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। आप रात के टाइम पे भी बना सकते हो सोने से पहले, या फिर सुबह उठते ही आपको 5-10 मिनट लगा के ये जो अपना टाइम है आपको मैनेज करना है, अपनी टू डू लिस्ट इस तरीके से बनानी है। आपको पता होना चाहिए कि आज आप उठे हो तो किस काम के लिए उठे हो, क्या आपको काम करना, आपका पूरा जो शेड्यूल है आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। इसके बाद आता है सेकेंड, सेट स्टडी अलार्म। सेट स्टडी अलार्म इसका मतलब क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप आधा घंटा बैठ के पढ़ रहे हो या फिर एक घंटा आप पढ़ रहे हो या फिर डेढ़ घंटा, आपकी जो सिटिंग है वो इतनी देर की है, उसके बाद आप 15 से 20 मिनट का क्या करोगे, गैप लोगे, उसमें आप रिफ्रेश होगे, आप कुछ खाओगे या फिर आप वॉक करोगे, तो इसमें आप क्या करते हो, रिफ्रेश होते हो। तो उसके बाद फिर वापस से आप एक घंटा डेढ़ घंटा जितना भी आपको पढ़ना पढ़ते हो, तो इसमें क्या होता है, कुछ बच्चों को जब वो गैप ले रहे होते हैं 15-20 मिनट का वो गैप ले रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए, फोन यूज कर लिया, फोन चला लिया। अब उसमें जैसे आप इंस्टा चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, कुछ भी आप चला रहे हो, उसके अंदर आप रील्स देख रहे हो, तो आपको टाइम का पता नहीं चलता है कब आपका एक घंटा, कब दो घंटे, कब चार घंटे, कब छह घंटे, आपके दिन, आपकी रात कैसे चली जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। और यही से स्टार्ट हो जाता है टाइम वेस्ट होना, और यही से आ जाता है बेटा डिफरेंस जो एक टॉपर स्टूडेंट है और जो एक एवरेज स्टूडेंट है। आपको अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, आपको अपने टाइम को जिस जगह पे आपको लगाना है वहां पर लगाना आना चाहिए। तो आपको अलार्म लगाना है जो आपको, जो आपके कानों में बजेगा और आपको बताएगा कि यस आपको क्या करना है, ठीक है। आप मान लीजिए एक घंटा आपने पढ़ा है, उसके बाद आपने गैप लिया, उसके बाद अलार्म लगाइए आप, ठीक है, आप एक घंटे के बाद फिर अलार्म लगाइए, फिर आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर आप अलार्म सेट कीजिए, फिर आप अलार्म लगाइए, जितनी भी देर आप पढ़ रहे हो, जितना भी आपका सिटिंग प्लान हो रहा है, आप 6 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो तो आप अलार्म लगाइए, जिससे कि आपको रहेगा पता कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे, 99% बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, यहीं पर उनकी गलती हो जाती है कि उनको टाइम का पता नहीं चलता, कब टाइम चला जाता है, कुछ भी वो करने लग जाते हैं। तो इसलिए आपको अलार्म सेट करना है, वो अलार्म बजेगा, आपको पता रहेगा कि मेरे को अब पढ़ना है, मेरे को अब अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे अपने काम पर फोकस करना है, वापस से मुझे अपने काम पे आना है, ठीक है। तो आप सेट करेंगे अपना स्टडी अलार्म। इसके बाद है तीसरी चीज, स्टॉप मल्टीटास्किंग, ठीक है, स्टॉप मल्टीटास्किंग। अब बच्चे क्या होता है, बहुत सारे काम लेके बैठ जाते हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, तो बहुत सारे वो टास्क ले लेते हैं और ध्यान एक पर भी नहीं होता है, ठीक है। जितने आप टास्क लोगे उतनी ही ज्यादा मिस्टेक के जो आपके चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, जितने ज्यादा टास्क आप लोगे उतनी ज्यादा मिस्टेक आपसे होंगी। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, नहीं करनी है, स्टॉप मल्टीटास्किंग। आपको ज्यादा टास्क नहीं लेने, एक टास्क लीजिए, एक काम लीजिए, उसको पूरे फोकस के साथ आपको करना है, ठीक है, उस पर आपको पूरी जान लगा देनी है, अपना पूरा फोकस उस पर देना है, आपको पूरा जो कंसंट्रेशन है उस पर लगा देना है,
ठीक है, तो आपको एक टास्क लेना है, एक काम लेना है और उसी को पूरी फुल कंसंट्रेशन के साथ फुल फोकस्ड होके आपको वही काम करना है। तो स्टॉप मल्टीटास्किंग, आपको ज्यादा काम नहीं लेने हैं एक बार में, मल्टीटास्किंग आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, इसमें भी मिस्टेक करते हैं बच्चे। इसके बाद है फोर्थ, अवॉइड सोशल मीडिया। अब ये सोशल मीडिया का जो कीड़ा है वो बच्चों को खा रहा है बिल्कुल, ठीक है, वो खत्म कर रहा है बिल्कुल उनके टाइम को, उनके समय को, उनको सबको बर्बाद कर रहा है सोशल मीडिया। बिकॉज बच्चे इसके अंदर ऐसे घुस जाते हैं कि निकलने का नाम नहीं, उनको पता नहीं रहता कि उनका समय जो है वो कहां पर चला गया। तो सोशल मीडिया से आपको अवॉइड रहना। आप इंस्टा एक बार स्टार्ट आपने कर लिया चलाना, उसके बाद जैसे वो चलता है आपको पता ही नहीं चलेगा आपका टाइम कब चला गया, ठीक है। फेसबुक आप चला रही हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका टाइम गया। एक बार आपने फोन उठा लिया, आपको पता नहीं रहेगा आपका टाइम कहां पर चला जाएगा। तो आपको अवॉइड करनी है ये चीज, ठीक है, सोशल मीडिया को आपको अवॉइड करना है। इसके बाद है पांचवी चीज, स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग। मतलब आपको बहाने नहीं बनाने हैं, आपको टालना नहीं है अपने काम को। मान लीजिए आपने लिया था आज मुझे एक चैप्टर केमिस्ट्री का करना है, एक चैप्टर बायोलॉजी का करना है, एक चैप्टर फिजिक्स का करना है, इंग्लिश मुझे आज पढ़ना है, एक चैप्टर मुझे मैथ का करना है। आपने जो भी आपने अपना स्टडी प्लान बनाया है आज का, जो भी आपके टू-डू लिस्ट के अंदर है, आपको वो काम करना है, ठीक है। आपको बहाने नहीं देने हैं कि नहीं आज तो थकान हो रही है ज्यादा, नहीं थोड़ा लेट हो गए हैं, कल से करेंगे, है ना, आज फोकस नहीं हो पा रहा है, कल दोबारा फ्रेशली स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। तो ये सब बहाने होते हैं, ये सब बहाने हैं काम को टालने की। तो आपको प्रोकास्टिनेट बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज को आपको स्टॉप करना है। बहाने नहीं देने हैं, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है, आपको इसके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको इसके ऊपर रूल करना है। जैसा आप करना चाहते हो वैसा आपको करना है, आपको इसकी नहीं माननी है। थकान हो रखी है, आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो आज तो एंजॉय करते हैं पूरा दिन, तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। प्रोकास्टिनेट नहीं करना, आपको बहाने नहीं बनाने हैं, आपको अपने काम को टालना नहीं है। जिस टाइम आपने जो काम लिया है उसको उसी टाइम खत्म कर देना है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको भी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो पांच चीजें मैंने आपको बताई, 5 strategies हैं ये। ये अगर 5 strategies आप फॉलो करेंगे तो आपको भी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सो आज के इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड अब मिलते हैं फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपको गाइड करूंगी, आपको मोटिवेट करूंगी और आपकी स्टडीज के अंदर हेल्प करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।